आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 फर्स्ट रिवीजन। तो फर्स्ट रिवीजन में आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल, तो वर्ल्ड के जियोग्राफी में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा विश्व के भूगोल में पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब, आपको ये बताना है। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस तारीख को होती है, तो यहाँ पे आपको जो डेट है वो बतानी है, और वो डेट हो जाएगी 3 जनवरी। तो आप सोच रहे होंगे 3 जनवरी को तो बहुत जाड़ा होता है, सूर्य को तो काफ़ी नज़दीक नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो 3 जनवरी को एक्चुअली में जो हमारा जो देश है ये पृथ्वी के कौन से गोलार्ध पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध होता है ये कुछ इस तरीके से घूम रही होती है धरती की, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध पर, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उस पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध जैसे अफ्रीका के जो देश हैं उनमें ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जब उस पर सीधी किरणें पड़ रही होती हैं तब वहाँ पर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए शायद आपको ऐसा महसूस होता हो कि जाड़े में सूर्य से दूर हो गई हो, लेकिन असलियत यही है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे होती है, मतलब सबसे नज़दीक होती है। और मैं यहाँ पर एक और प्रश्न बता दूँ आपको कि अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी सूर्य से कितनी छोटी है या सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो आप बताएंगे 109, लगभग 109, अगर हो सकता है 110 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो अभी तक जो बताया गया जा रहा है जो भी डिजिट है वो है 109 गुना बड़ा। और अगर दूरी पूछा जाए तो दूरी मोस्टली औसतन दूरी पूछी जाती है पृथ्वी से सूर्य की, तो जो औसतन दूरी होती है वो है इस समय 150 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, 10⁶ है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो 10⁹ हो जाएगा। तो उम्मीद है छोटे छोटे प्रश्नों पर आपने नजर डाली होगी और इन प्रश्नों का उत्तर आप देते चलिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची गई है, अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से। तो उम्मीद है बहुत सरल सा प्रश्न है, क्योंकि जो टाइम लाइन खींची गई है, मानक रेखा खींची गई है, वो हमारे यहाँ जो लंदन से निकलती है वो है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये है प्रशांत महासागर से होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी आप मैप देखेंगे तो ये थोड़ी आड़ी तिरछी दिखाई देती है। ये आड़ी तिरछी इसलिए दिखाई देती है कि मान लीजिए कोई ये देश यहाँ पर है, मान लीजिए कोई देश यहाँ पर है, तो अब उन दोनों में कैसे डेट डिवाइड होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर टेढ़ा करना पड़ जाए कि इसकी डेट इस इधर ही रहे, इस वाली डेट में जो शुरुआत हो रही है वहाँ पर ना जाए, तो हल्का फुल्का जो है इसको हम तिरछा कर देते हैं। तो उम्मीद है ये आप मैप में देख चुके होंगे और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि विषुवत, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों रेखाएं हों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और हमारे देश से तो आपको पता ही है कर्क रेखा गुजरती है, मैंने भारत वाले वीडियो में बताया था आपको। महान हिमयुग का संबंध किससे है, कहा जाता है कि एक समय था आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले कि ये कहा जा रहा था कि सिर्फ बर्फ पड़ रही थी पूरे धरती पर, तो उस समय को एक नाम दिया गया है। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा कठिन भी लगता है क्योंकि लोग अक्सर इन प्रश्नों को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो महान हिमयुग, हिमयुग क्या मतलब, इसको क्या आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आइस जो बर्फ हुआ था बहुत, जो आइस टाइम कहा जाता है, तो उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं प्लीस्टोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, रिंग ऑफ फायर कहते किसे, तो भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से।
रिंग ऑफ का फायर का जो मतलब है वो प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उससे जो भूकंप आता है तो समुद्र में एक हलचल मचती है, तो जो देखने से ऐसा लगता है कि वो आग लगी है समुद्र में और वो भूकंप के रूप में प्रदर्शित होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर भी सही है, ज्वालामुखी भी सही है और भूकंप भी सही है, तो जंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही है आपका। इस तरीके से प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी है उसमें जो भूकंप आता है या तरंगे देखने को मिलती हैं उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है आप ये ना समझें कि पर्वत चोटी का नाम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कभी ये प्रश्न भी आपके सामने पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। और अगर सेकेंड नंबर पे पूछा जाए कौन सी है, तो सेकेंड नंबर पे रॉकीज है, और ये रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी है, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर लगा रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा सबसे आपका जो बेस्ट आंसर है वो एंडीज है, और सेकेंड नंबर पे रॉकीज है, और तीसरे नंबर पे हिमालयाज आता है, तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से हिमालय में चोटियाँ तो सबसे लंबी हैं, मतलब पहाड़ ऊँचे ऊँचे हैं, लेकिन जो लंबी श्रृंखला है वो नहीं पाई जाती है, तीसरे नंबर पे पाई जाती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो शुष्क क्षेत्र इसमें कौन सा है, मरुस्थल तो चारों लिखे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा शुष्क कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अटाकामा मरुस्थल जो है ये सबसे ज़्यादा शुष्क माना जाता है, और ये भी दक्षिण अमेरिका में है। ये भी का मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी दक्षिण अमेरिका से संबंधित था, और ये अटाकामा मरुस्थल जो है जो चिली एक देश है, चिली जो कंट्री है वहाँ उपस्थित है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर नहीं है, मैं बता दूं आपको, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है, किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाएगा तो वो मेडागास्कर है, और ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। बस जो महासागर है वो हिंद महासागर है, और मॉरिशस के आसपास का जो एरिया है, जो द्वीप हैं, वो मेडागास्कर है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की खास बात यही है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन राजनैतिक रूप से, राजनैतिक मतलब ये किसके, किस देश के अंतर्गत आता है, तो ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है। कौन सा? ग्रीनलैंड। और डेनमार्क कहाँ सा देश है? यूरोप का है, इसलिए राजनैतिक उपस्थिति ग्रीनलैंड की यूरोप की है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ये उत्तरी अमेरिका की है। निम्नलिखित झीलों में कौन सा विश्व का प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी, तो प्राचीनतम है, पुरानी है, और गहरी झील है, तो गहरी झील में सबसे पहले नाम आ जाता है बैकाल झील का, जो कि रूस में है। तो उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा और आपने पढ़ा भी होगा। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? वैसे तो आप खट से लगा देते कि हाँ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं या बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना भारत है, ना पश्चिम बंगाल है, ना ही बंगाल की खाड़ी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फ्रांस में? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत भी लिखा हुआ है, ब्राज़ील भी लिखा हुआ है, चीन भी लिखा हुआ है, सारे गन्ने उत्पादक वाले देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? वनों का संरक्षण, अंगूर का उत्पादन, कृषि का आदिम प्रकार, या गन्ने का उत्पादन? तो कल्चर्स आपने पढ़े होंगे, इसलिए मैंने कल्चर का इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। विटीकल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है और अंगूर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का
महाद्वीप किसे कहते हैं? तो मैं आपको आंसर पे ले चलता हूं। दक्षिण अमेरिका जो है यानी कि साउथ अमेरिका जो है उसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये जर्मनी में स्थित है। पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो देश का नाम नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है विषुवत, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुवों के पास? तो इन तीनों रेखाओं का ज्ञान आपको होगा ही। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। अगर हो सकता है भूमध्य रेखा लिखा हो तो वो भी सही है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे ज्यादा जो एरिया है वो वनों का परसेंट वाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब रूस को उठा लाएंगे तो रूस में तो कोई छोटा सा देश होगा तो उसकी कंपेरिटिव में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन परसेंट के हिसाब से कितने प्रतिशत जो वन है उनके यहाँ ज्यादा है, बाकी देशों में कम है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर है जापान। जापान का जो परसेंटेज है वनों का, जंगलों का, वो ज्यादा है अन्य देशों की तुलना में। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, मैं भी बता दूं आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रश्न है। तंबाकू का उत्पादन विश्व में प्रथम स्तर पे कौन करता है? तो मैं आपको इसका सीधे आंसर ले चलता हूं, वो है चीन। तो चीन तो आपको लगेगा ही, हाँ भाई ये तो गलत काम कर ही रहे हैं, तो ये तंबाकू उत्पादन में भी नंबर एक पर है। तो ऐसा नहीं है, भारत जो है ये दूसरे नंबर पे है, ये भी पीछे नहीं है तंबाकू उत्पादन में, और तीसरे नंबर पे ब्राजील का नाम आता है। फिलहाल यहाँ आंसर सही होगा चीन। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दूध कहाँ पैदा होता है? भारत में। जी हाँ, यही सही आपका आंसर है, आपके भारत में सबसे ज्यादा दूध का प्रयोग भी होता है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है, मतलब सोने का निर्यात करता है, मतलब हमारे यहाँ जो सोना आता है ये किस देश से आता होगा सबसे ज्यादा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सोना जो है हम स्विट्जरलैंड से लेते हैं। लगभग 50% सोने यानी गोल्ड का जो इम्पोर्ट होता है वो स्विट्जरलैंड से होता है। ऐसा क्या खास बात है? स्विट्जरलैंड में तो सोना एक हिसाब से ज्यादा पैदा भी नहीं होता है, तो हम क्यों लेते हैं? तो ये ऐसा, इसका कारण क्या है, ये तो भाई हो सकता है आपको कहीं, अगर आपको पता हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। फिलहाल तो हम यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा गोल्ड इम्पोर्ट होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है, तो सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन करता है, ठीक है? उसके बाद सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है, और उसके बाद जो है रूस है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद कहीं दक्षिण अफ्रीका भी है। तो कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में नहीं दिखाई देता है, फिर भी हमारा सबसे ज़्यादा आयात जो हम करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं स्विट्जरलैंड से। लेकिन चीन इस मामले में नंबर वन पर है, उसके पास एक हिसाब से सोना तो इतना नहीं है, लेकिन वो जो उसके यहाँ खाने हैं वो पूरी तरीके से, सबसे ज्यादा जो खनन हो रहा है सोने का वो चीन में हो रहा है एक हिसाब से। तो फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए, उत्पादक और जिसके पास भंडार है, ये दो क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है? तो हमें लगता है कि जिसके पास भंडारण होगा वही उत्पादक होगा। नहीं, बहुत लोग जो है भंडारण करके रखते हैं लेकिन उत्पादन उस उतना नहीं करते, उत्पादक जो करते हैं वो अलग होते हैं। तो उत्पादक जो है सबसे ऊपर हो जाएगा सऊदी अरब, सबसे ज्यादा सऊदी अरब जो है उत्पाद करता है पेट्रोलियम का। अगर हम भंडार की बात करें वर्तमान में, तो वेनेजुएला जो कंट्री है उसके पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये प्रश्न अगर भंडार के रूप में आता है तो आप वेनेजुएला लिखेंगे, उत्पादन के मामले में आप
सऊदी अरब को लिखेंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, जुड़े रहेगा आप लोग सबलाइन क्लासेस से, हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, धन्यवाद।